Dear students of class 7, subject computer, chapter number 7, topic advanced formula and function in MS Excel, question and answer. Assessment time, multiple choice question, true and false, choose appropriate words, question and answer, match the following. Arrange the jumbled words. सबसे पहले हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन. टिक द राइट ऑप्शन नंबर वन. टू अरेंज डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर मींस ए सॉर्टिंग, बी सम, सी मिन, डी इफ. तो ए सॉर्टिंग इज द राइट ऑप्शन, वहां पे टिक किया हुआ है. Question number 2, which one of the following is a conditional function that displays either true or false as the output? A maximum, B sum, C minimum, D if. So D if is the right option. Us par click karna hai aapko. Third, which one of the following function is used to display the minimum value in a range of cell? तो ए सम, बी मिनिमम, सी मैक्सिमम, डी एवरेज. तो बी मिनिमम इज द राइट ऑप्शन, उसको टिक किया हुआ है, टिक कर देना वहां पे. नंबर फोर्थ, इन एमएस एक्सेल 2007 सेल रेफरेंसिंग इज ऑफ वन टाइप, टू टाइप्स, सी थ्री टाइप्स, डी फोर टाइप्स. तो सी थ्री टाइप्स. इसके बाद नंबर फाइव, द प्रोसेस ऑफ फिल्टरिंग डाटा ऑन द बेसिस ऑफ सम स्पेसिफाइड कंडीशन इज सॉर्टिंग, कस्टम फिल्टर, सी सेंटेक्स, डी सेल रेफरेंसिंग. तो डी कस्टम फिल्टर इज द राइट ऑप्शन. राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ए नंबर वन, ए हार्ज साइन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग फॉल्स. सेकंड, देयर कैन बी मैक्सिमम 35 आर्ग्यूमेंट्स इन ए स्टैटिस्टिकल फंक्शन. तो वो भी फॉल्स है, वहां पे 30 आर्ग्यूमेंट्स है. थर्ड, इन एमएस एक्सेल 2007 फार्मूला यूज एब्सोल्यूट रेफरेंस बाय डिफॉल्ट. तो वो भी फॉल्स है. इसके बाद आता है आपको फोर्थ, मिनिमम फंक्शन इज यूज्ड टू डिस्प्ले द लार्जेस्ट वैल्यू इन द रेंज, सो इन ए रेंज ऑफ सेल द आउटपुट. तो वो फॉल्स है, वहां पे मिनिमम आता है, लोवेस्ट वैल्यू आता है. इसके बाद फिफ्थ, फंक्शन शुड ऑलवेज स्टार्ट विद एन इज इक्वल टू साइन, वो ट्रू है. चूज अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. रेंज टू, ऑटो सम, रिलेटिव आर्ग्यूमेंट्स. तो ए नंबर वन, फंक्शन नेम एंड डैश डैश आर टू पार्ट्स ऑफ द फंक्शंस, वो आर्ग्यूमेंट्स आएगा. फिल्टर कैन बी अप्लाइड टू ए सिंगल डैश डैश इन ए वर्कशीट एट ए टाइम. तो वहां पर रेंज आएगा. थर्ड, इन डैश डैश रेफरेंसिंग द फार्मूला इन द कॉपीड सेल गेट्स चेंज्ड एज पर द चेंज इन द सेल पॉइंटर्स पोजिशन, वहां पर रिलेटिव आएगा. फोर्थ, एम एस एक्सेल ऑफर डैश डैश टाइप ऑफ सॉर्टिंग, टू टाइप्स ऑफ सॉर्टिंग, ठीक है. इसके बाद फिफ्थ, ऑल स्टैटिस्टिकल फंक्शन कैन बी यूज्ड फ्रॉम द डैश डैश, वहां पे ऑटो सम आएगा. क्वेश्चन नंबर वन, राइट द स्टेप्स फॉर अप्लाइंग कस्टम फिल्टर इन द एमएस एक्सेल. आंसर फॉलोइंग स्टेप्स टू अप्लाई कस्टम फिल्टर. स्टेप वन, क्लिक ऑन डाटा टाइप फिल्टर. स्टेप सेकंड, क्लिक द एरो इन द कॉलम हेडिंग. स्टेप थ्री, सेलेक्ट नंबर फिल्टर फ्रॉम द लिस्ट. स्टेप फोर्थ, क्लिक ऑन द कस्टम फिल्टर. स्टेप फिफ्थ, चूज एन ऑप्शन from the list and enter a number in the right side box. Step 6, click AND or OR. Step 7, specify second condition. Step 8, click OK. तो इस तरह से आपको custom filter आप MS Excel में apply कर सकते हैं. इसके बाद question number 2, write any 5 predefined commands for using function in MS Excel. Answer 5 predefined custom commands for using functions in MS Excel are such as AutoSum, recently use it, financial, logical data and logical, फिर इसके बाद date and time.
तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर टू का आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट इज द यूज ऑफ काउंट नंबर कमांड इन एमएस एक्सेल। आंसर, काउंट नंबर इज यूज्ड टू काउंटिंग द नंबर ऑफ सेल्स इन ए रेंज ऑफ द सेल कंटेनिंग ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट डू यू मीन बाय सॉर्टिंग डाटा। आंसर आएगा इसका, अरेंजिंग डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इज कॉल्ड सॉर्टिंग। MS Excel 2007 offered two types of sorting. Number one, sorting in ascending or descending order. Second, sorting in different criteria. What is cell referencing? Cell referencing is used to identify the behavior of a cell address in formula when it is copied from one cell to another. Match the following. Dollar sign. इसका आपको नंबर वन है, नंबर वन को नंबर फोर से जुड़ेगा। यूज इट टू आइडेंटिफाई एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। इसके बाद नंबर टू, इफ कंडीशन फंक्शन डिस्प्ले आइदर ट्रू और फॉल्स, नंबर वन से जुड़ेगा। नंबर थ्री, फिल्टरिंग, ये जुड़ेगा नंबर टू के साथ टू फाइंड डाटा सेट इन ए सेल रेंज। इसके बाद नंबर फोर, कस्टम फिल्टर, ये नंबर थ्री के साथ जुड़ेगा टू फिल्टर डाटा ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशन। ये हो गया आपका मैच द फॉलोइंग। फिर इसके बाद बी पार्ट, अरेंज द गिवन जंबल्ड वोट एंड मेक मीनिंगफुल वोट्स। नंबर वन है एस ओ बी एल टी यू ई एब्सोल्यूट बनेगा। नंबर टू है एफ आर ओ एम ए टी आई एन टी जी, उसका फॉर्मेटिंग बनेगा। नंबर थ्री एस आर ओ टी आई एन एन आई एन जी एन आई जी, उसका बनेगा सॉर्टिंग। फिर नंबर फोर सी एस यू टी ओ एम कस्टम बनेगा इसका वर्ड। फिर इसके बाद नंबर फिफ्थ एफ आर ओ एम यू ए ई एल, उसका बनेगा फार्मूला। तो ये हो गया मीनिंगफुल वर्ड्स फ्रेंड्स। ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर सेवन का क्वेश्चन आंसर। कॉपी पे साफ साफ उतार देना। ओके, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड बाय।